आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबर। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के ग्लास रोड पर स्थित ग्राम सड़क के नगला जहां कृष्ण कुमार यादव नाम के व्यापारी की दो दुकानें थी, जिसमें स्टेज डेकोरेशन आदि का लाखों रुपए का सामान भरा हुआ था। बीती देर रात अज्ञात कारणों के चलते दोनों दुकानों में भीषण आग लग गई। जब लोगों ने दुकानों से धुआं निकलता देखा तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और व्यापारी को फोन द्वारा दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 3 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई, जिनके द्वारा बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे व्यापारी कृष्ण कुमार यादव ने जब अपनी बर्बादी का मंजर देखा तो अपने होश खो बैठा और बेहोश होकर गिर पड़ा, जिन्हें मौके पर खड़े हुए लोगों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। एक युवक जहाँ पर आग लगी थी, क्या प्रकरण में कुछ मालूम पड़ा, क्या नुकसान हुआ होगा, काबू पा लिया नहीं पा लिया आग पर? सुबह 5:40 की घटना है, सूचना मिली थी दुकान में आग लगी है गिलास रोड पे। मौके पे तुरंत पहुंचा गया और देखा तो दो दुकानों में आग थी। आग को कंट्रोल कर लिया गया, दुकान कृष्ण कुमार यादव की है और आग पूरी तरह से कंट्रोल। सर कितनी गाड़ी लग चुकी है अब तक सर पानी की? तीन गाड़ी। व्यापारियों को अंदाजा बताया कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान अब सर्वे किया जाएगा, सर्वे का काम सर्वे करके बताएंगे। आग के क्या कारण है कुछ मालूम पड़ा? कारण अज्ञात है, हो सकता है कुछ मोमबत्ती या कुछ ऐसे, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई मामला नहीं है, अंदर कोई ऐसी कारोबार भी नहीं पाएगा।